हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर अबाउट टू फिनिश द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नियरली खत्म है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। अब आज अभी हम लोग वाइंड अप करेंगे। विल बी डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स which you have already discussed, but we'll sum up all those. इसमें सबसे पहले जो है, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो जो काम की चीजें, बहुत ज्यादा काम की चीजें, वो अभी हम सम अप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर एस जीरो, पहला पॉइंट नोट करते जाना साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर एस जीरो। फिर दूसरी चीज, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। और ये बहुत सिंपल सा है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग ए चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो रेडियली आउटवर्ड होती है, ऐसा कुछ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फिर तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर इज सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सर्फेस। अभी हम लोगों ने इसमें यह बोला कि अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, अंदर दो पॉइंट, तीन पॉइंट्स बने हुए हैं, ओ ए और बी, सरफेस पर एक पॉइंट बना हुआ है सी, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड विल बी सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। वी ओ विल बी इक्वल टू वी ए will be equal to VB is equal to VC, और ये कितना आ जाएगा, Q upon 4 pi epsilon 0 R, इसके ऊपर Q चार्ज है। ठीक, नोट करते जाना, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट वी आर समिंग अप एवरीथिंग। फिर उसके बाद फॉर अ चार्ज कंडक्टर एनी, इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर, देन पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस पूरे चार्ज को कहां पर अज्यूम कर लें, ऐसा अज्यूम कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। वी अज्यूम दैट क्यू इज लाइंग एट द सेंटर एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट पी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर।
ऐसा कुछ आएगा? फिर इसके बाद फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये कोई पॉइंट ले लिया और यहां पर ये पॉइंट चार्ज है और ये दो पॉइंट्स हैं, तो कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? हम लोगों को मालूम है पोटेंशियल ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी. ये सिंपल सा फैक्ट है. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जिसका डिस्टेंस कम है, जिसका डिस्टेंस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो इसका डिस्टेंस कम है, ए का डिस्टेंस कम है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा. और ये तो पता चल गया कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है. अब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, कोई नई चीज नहीं है. ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. लेकिन अब इसको हमने लिख दिया एक नए तरीके से कि भैया पॉजिटिव चार्ज हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हमें ऐसा नहीं बोल रहा कि ये इससे रिपेल होकर दूर जा रहा है, ये तो पहले से बोलते आ रहे हैं. लेकिन अब हमने क्या बोला? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और इसके बेसिस पर अभी हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा होगा. दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? अगर आप इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि अट्रैक्ट हो रहा, हम लोग कैसा बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो है कहां से फ्लो कर रहा है? बी से ए की तरफ, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल. मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर से लोअर होता और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर होता है. ठीक है, ये याद रखें. फिर इसके बाद ये कुछ ऐसे पॉइंट्स अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे. ठीक है, और ये कह लो कि ये पूरे चैप्टर की के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी जैसी है. ठीक, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन माइनस डीबी बाई डी आर, इससे अभी हमें ये पता चलता है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस सर्फेसेस आर फार अपार्ट. कहां पर दूर दूर होंगे? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलर. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये कम कब होगी? जब ये ज्यादा होगा. ठीक है, इसको समझने का एक तरीका है. फिर उसके बाद इसका उल्टा बोले कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर नियरर. पास में कहां पर होंगे? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है. ठीक है, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं. अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है
परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, हम बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज भी करा दे रहे हैं। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इससे आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर पोटेंशियल सेम होगा, और इन सब पर पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस को भी हम ऐसा लिख दे रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये ईपीएस फॉर पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज व्हाट, स्फेरिकल इन शेप। कैसे शेप का है? स्फेरिकल शेप का। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इस बात को भूल जाओ, हमने क्या किया, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना लिया, मतलब एक ऐसा स्फीयर बना लिया जिसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इन सब का डिस्टेंस यहां से सेम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइन और पोटेंशियल सरफेस दोनों परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो दोनों पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, पिछले दोनों पॉइंट्स, उसके बेसिस पर कह सकते हैं कि भाई फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर स्ट्रॉन्ग होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां पर दूर दूर होते हैं। अब ये तो यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्वली स्पेस्ड। अच्छे से सुनना, ये बहुत कम किताबों में लिखा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर वॉट, इक्वली स्पेस्ड, मतलब ये बराबर बराबर डिस्टेंसेस पर है, ठीक। और इसमें एक चीज और अच्छे से समझना, इक्वली स्पेस हैं और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपने ऐसी बनाई तो ये सरफेस आपको ऐसे बनाने ही पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे? परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस अगर ऐसी जा रही है तो ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अब हम लोग इसको ऐसा तो बना नहीं पाएंगे, ये वाला डायग्राम, अगर हमें ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर हमें एक प्लेन ड्रॉ करना है, सपोज फॉर एग्जांपल ये प्लेन, ये इक्विपोटेंशियल प्लेन होगा क्योंकि ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा इसके बेसिस पर। तो इक्विपोटेंशियल प्लेन एक ही आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, एक ही आ गया। तो ये अगर बनाना है तो या तो आप इसको लाइंस जैसा शो कर लो, या फिर ऐसा इमेजिन आप कर लेना कि ये एक इक्विपोटेंशियल प्लेन है और ये इक्वली स्पेस्ड है, और जिस डायरेक्शन में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं, द पोटेंशियल डिक्रीजेस, the potential decreases along a electric field line, किसी electric field line के along क्या होगा, potential decrease होता है। अब इसमें देखो, इसी वाले diagram में बता सकते थे, हमने ये बताया था ये एक charge है और ये दो points है, electric field line कैसी होगी, away from the positive beta, बहुत सिंपल फैक्ट बता रहे, बहुत सिंपल तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी रहेगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई, और फिर पोटेंशियल देखो इन दोनों पॉइंट्स में, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है इसलिए पोटेंशियल ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा। तो हमने यही बोला, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है
उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर हमने यहां पर ये V1 लिखा है, ये V2 लिखा है, ये V3 लिखा है, तो V1 will be greater than V2 will be greater than V3, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पर बेस्ड, ये जितने भी अभी हम पॉइंट्स बता रहे हैं उन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये दिस सो दिस ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एनी कंडक्टर इरेगुलर शेप, कोई इरेगुलर शेप का कंडक्टर अगर है तो उसमें इरेगुलर शेप में चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर, फॉर इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर, इरेगुलर शेप कंडक्टर अगर है तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसी नहीं होती, मतलब यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ और है, यहां पर कुछ और है, मतलब ये सारे चार्जेस की जो डेंसिटी है जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सेम नहीं होगी, सभी जगह अलग अलग होगी। और इनफैक्ट ये अभी हम लोग देखेंगे क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ का मतलब क्या है, इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अब रेडियस कम ज्यादा कैसे बताएंगे, लो थोड़ा सा और अच्छा शेप बना दे रहे, ये देखो, ये जैसे ये पॉइंट अगर मार्क करें, देखो ध्यान से, ए पॉइंट, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज स्फीयर, और ये बी पॉइंट को अगर आप देखो तो दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, दिख रहा होगा। इधर पर हम लोगों ने बोला दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी, दिस पॉइंट बी कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, मतलब यहां पर रेडियस कम है, यहां पर रेडियस ज्यादा है, जहां पर रेडियस कम है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सरफेस के पास में कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग आ रही है। तो अब हम लोगों ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किसी भी इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी कैसे मिलती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिंपल फॉर्मूला, किसी इनफाइनाइट साइज के चार्ज प्लेन के लिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो होती है। लेकिन कोई इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर अगर है, कोई इरेगुलर शेप्ड चार्ज कंडक्टर अगर है तो इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगी, मतलब इसके ये इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर के पास में कहीं पर भी आप देखो सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी, यहां पर कम आएगी, यहां पर ज्यादा आएगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने बोला यहां पर रेडियस कम रहेगा, रेडियस कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, सिंपल सी चीज। और इसका डेरिवेशन जो है बहुत सिंपल है, अभी हम प्रीवियस क्लासेस में ले चुके हैं, और अगर ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं तो अभी हम आपको ये बता दे रहे हैं। अगर आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ये बहुत क्विक एक डेरिवेशन रहेगा इस वाले पॉइंट का। इसमें अभी हमने बोला अगर आपको इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आप क्या करें, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सर्फेस ले लो, ये गॉसियन सर्फेस बहुत पतला सा एक सिलेंडर ले लिया कमजोर सा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है अभी अपन ने पढ़ा है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव होती है और नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस अभी अपन ने शुरू के पॉइंट से देखा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है।
तो अब अच्छे सुनना, इसका जो कर्व सरफेस है यहां पर ds अगर आप ले लोगे तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, क्योंकि इस वाले सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कैसी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, 90 डिग्रीज। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर है जीरो। तो फ्लक्स अगर आप निकालते हो तो फ्लक्स कैसे मिलता है, EdS cos थीटा से मिलता है। तो EdS cos थीटा कहां पर लेना है आपको, अंदर भी लेना बाहर भी लेना। तो अंदर वाले पॉइंट्स पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी। अंदर वाले पॉइंट्स पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो क्यों है बेटा, फॉर पॉइंट्स इनसाइड यहां का ये, फॉर पॉइंट्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है इसलिए फ्लक्स जीरो है। फॉर पॉइंट्स आउटसाइड, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए फ्लक्स कैसे मिलेगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो। आप इसके लिए नहीं निकालोगे, किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए नहीं निकालोगे, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आपने छोटा सा डीएस ले लिया तो डीएस ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव ऐसी है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो कर्व सरफेस पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी। तो अभी आप जो निकाल रहे हो फ्लक्स सिर्फ इसके लिए निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ई इंटू डीएस ऐसा कुछ आ जाएगा, कॉस जीरो। कॉस जीरो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा सा सरफेस, अभी हमने छोटा ही सा सरफेस लिया था, इंटीग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब ये गॉस थ्योरम से किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम दिस इज इक्वल टू अंदर का नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अंदर का नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर कितना नेट चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर का नेट चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू डीएस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इसमें डीएस और डीएस कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर जो है वो, उसको जो भी चार्ज आप देंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, यहां पर सिग्मा कम होगा, जहां पर रेडियस कम है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, जहां पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो अब इन चीजों को अच्छे से समझना, कोई इरेगुलर शिफ्ट कंडक्टर अगर है, एक और पॉइंट डिस्कस कर ले रहे, वो आगे के क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, कि मान लो इसके अंदर, इसके अंदर, इस इरेगुलर शेप कंडक्टर के अंदर अगर ऐसा कुछ पॉइंटेड एंड आ जाए, आज बड़ी मजेदार चीज होगी तुम लोगों को ये सुनने में, ये पॉइंटेड एंड अगर आ जाए तो इसका रेडियस तो बहुत ही कम हो जाएगा, रेडियस बहुत ज्यादा कम मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, इसमें इफ अ चार्ज कंडक्टर हैज पॉइंटेड एंड्स, किसी चार्ज कंडक्टर में अगर पॉइंटेड एंड्स हैं तो फॉर पॉइंटेड एंड रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, रेडियस अगर बहुत छोटी है तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी वेरी लार्ज हो जाएगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा हो गई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंटेड एंड्स विल बी वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां पर अगर कोई ऐसा शेप का कंडक्टर अगर है, इसमें अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया बेटा तो क्या होगा, यहां का रेडियस तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, रेडियस बहुत कम हो जाएगा मतलब क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा हो गई
तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी, एयर आयनाइज हो जाएगी, मतलब कि इतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कि ये आसपास के एयर से, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अगर इसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहां पर खत्म हो जाएगी, मतलब यहां का चार्ज खत्म हो जाएगा, यहां का चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बोला है कि ये जो इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर है वो हमेशा इस लॉ को फॉलो करता है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पर चार्ज तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां की रेडियस बहुत ज्यादा कम है, रेडियस बहुत कम है तो यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या होगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट से चार्जेस निकलकर फिर यहां जाएंगे और फिर से यहां पर आ जाएंगे, तो फिर से पॉइंटेड एंड पर चार्ज आ गए, पॉइंटेड एंड पर चार्ज है मतलब पॉइंटेड एंड पर रेडियस बहुत कम है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर बहुत ज्यादा तो ये फिर से एयर को आयनाइज करेगी, एयर को आयनाइज करेगी मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी मतलब फिर यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो ये किसी भी कंडक्टर की खासियत है कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर में पॉइंटेड एंड अगर है तो वो सोर्स ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज बन जाता है। लीकेज ऑफ चार्ज मतलब क्या होगा, यहां से आसपास के एयर को आयनाइज करेगा, यहां पर पॉइंटेड एंड पर होता क्या है, रेडियस बहुत कम मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, रेडियस बहुत कम सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अगर बहुत ज्यादा है तो एयर के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर खत्म हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा लेकिन ये रूल फिर से फॉलो होगा कि जहां पर पॉइंटेड एंड है वहां पर रेडियस बहुत कम है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा करने के लिए इधर के जो बचे हुए चार्जेस हैं वो सब इधर की तरफ आएंगे। तो जैसे किसी टैंक में होल एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ लीकेज ऑफ वाटर, वैसे किसी भी कंडक्टर में पॉइंटेड एंड एक्ट्स एज सोर्स ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। किसी पॉइंटेड एंड को अगर आप देख लें, किसी कंडक्टर में अगर आप पॉइंटेड एंड दे दें चार्ज कंडक्टर में, तो उसमें से पूरा चार्ज उसका लीक हो जाएगा, और ये जब लीक होगा, ये जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, तो वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल बी अकंपनीड बाय सम ग्लो ऑन दिस सरफेस, कुछ चमक कुछ स्पार्क्स जैसे आएंगे, और ये जो ग्लो यहां पर आएगी, ये जो यहां से चार्जेस लीक होने पर, उसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा स्ट्रेंज सा नाम है, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना तो अभी शब्द आ गया लेकिन ये थ्योरी पहले से थी, है ना। तो ये पॉइंटेड एंड इन एनी चार्ज कंडक्टर एक्ट्स एज व्हाट, इट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये अभी इसमें आगे याद रखना कि किसी कंडक्टर को अगर आपने कोई चार्ज दिया तो चार्ज जो है लीक हो जाएगा अगर उसके अंदर कोई पॉइंटेड एंड अगर है, है ना। क्यों लीक होगा ये अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया। फिर उसके बाद एक और पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट्स पर, किसी भी कंडक्टर में अंदर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है और चार्ज भी जीरो होता है। किसी चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है, किसी चार्ज कंडक्टर में
इधर वाले पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल मिलता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस इज सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस विल बी सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. उसके बाद इसमें ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अभी हमने आज की क्लास में क्या किया, सबको वाइंड अप करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर दे दिए. अब जैसे इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि V की वैल्यू जीरो हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हो, ऐसी कोई सिचुएशन बतानी है तो ऐसी कोई सिचुएशन सोच पाते हैं क्या? तो अभी लोग बता सकते हैं, अगर आप कोई डाइपोल ले लें, कोई डाइपोल अगर आप ले लें तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू तो जीरो होती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती. अपन लोगों को मालूम है, दोनों चीजें अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. इसमें इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं बाद में तो आपको ये चीज ऐसा सुनने में लग सकता है, तो इसके लिए यू हैव टू गो थ्रू दी थ्योरी, एंटायर थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में हमने ये सारी चीजें आपको बताई हैं. अब इसके बाद हमने इसमें ये बताया, हाँ मेन चीज जो छूट गई कि गिव टू एग्जाम्पल्स, ये बोर्ड में भी आ चुका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस के कि गिव द इंस्टेंस और गिव द एग्जांपल फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल नॉट जीरो इनसाइड द कंडक्टर, पोटेंशियल जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, दिस इज पॉसिबल फॉर अ डाइपोल इन द इक्वेटोरियल पोजिशन. डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजिशन पे पोटेंशियल तो जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती, ठीक है, याद रखना. चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद If you are having two charged conductors, one is having a plus Q charge, another is having plus capital Q charge, and the radius of this is A, and the radius of this is B. No matter what is the amount of charge on the outer, बाहर वाले के ऊपर आप कितना भी बड़ा चार्ज दे दें, पोटेंशियल ऑफ द इनर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द आउटर. पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द आउटर. बहुत सिंपल सा फैक्ट है, लेकिन अब देखो सुनने में कैसा लगेगा किसी के, जैसे ही क्योंकि पोटेंशियल की बात करते हैं आप लोगों के मन में एक फॉर्मूला घूमने लगता है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, है ना. तो अब ये लोग बोलेंगे भाई इसको अगर हमने 1 लाख कूलम्स दे दिया और इसको 0.1 दे दिया तो क्या बोलेंगे हम लोगों को? ऐसा लगेगा जैसे बाहर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन हम लोग इसमें ये बोलेंगे नो मैटर हाउ लार्ज द चार्ज इज गिवन टू द आउटर स्फीयर, बाहर वाले के ऊपर आप कितना भी चार्ज दे दो, अंदर वाले के ऊपर कितना भी कम हो, पोटेंशियल ऑफ द इनर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द आउटर. इसमें ध्यान से देखना, पोटेंशियल को अगर अभी हम लोग वर्क के टर्म्स में समझे तो अभी आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा. कैसे? 1 कूलम चार्ज को आप लेकर आओ इन्फिनिटी से, यहां तक लाओगे जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा,
और यहां तक ले जाओगे तो जितना फर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से यहां तक, वो अंदर वाले का पोटेंशियल हो जाएगा। अब 1 लाख कूलम्स के हिसाब से अगर आप 1 कूलम चार्ज को लेकर आओगे, यहां तक कुछ वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप इन्फिनिटी से अगर अंदर तक ले जाओगे तो थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, भले ही थोड़ा सा चार्ज है। ये वाला चार्ज, बाहर वाला चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो यहां तक लाने में कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अंदर ले जाओगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और इनफैक्ट अभी हम लोग ये कैलकुलेट किए भी हैं पिछली क्लासेस में कि पोटेंशियल ऑफ द इनर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ आउटर, एंड पोटेंशियल ऑफ इनर माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π ε₀ 1/a माइनस 1/b। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द आउटर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक विद सम मोर न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल।